हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजात। तो यार भगवान शिव जी ने क्या गजब एंट्री मारी है यार। जलंधर जी भी देख कर भाई हैरान हो गया। हिल गया भाई, हैरान ही हुआ, हिल गया अपनी जगह से भाई, उठ खड़ा हुआ है। वाह क्या, और जो लोगों ने स्वागत किया ना जलंधर ने, सोचा तो जरूर होगा कि कोई तो है टक्कर देने वाला। कसम से यार, अब आगे देखते हैं कौन ऑन कर दे स्टार्ट। अब देखते क्या होता है। बधाई हो जलंधर, तो आप ही हैं वो जिनका नाम लेकर नारद मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। यही है भाई। ओह माय गॉड, नारद मुझे भयभीत कर रहा। अंततः आपसे साक्षात्कार हो ही गया। वो तो होना था महादेव। जब मेरे दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल हो तो मैं उसे अवश्य पूरी करता हूं। कहीं ये अपेक्षा तो नहीं कि इन निर्बलों की भांति मैं भी आपके समक्ष शीर्ष झुकाऊंगा। निर्बलता और श्रद्धा में झुकने का अंतर न समझना। लोकाधिपति के लिए अशोभनीय है। भाग्यशाली हैं आप महादेव, मेरे राज्य अभिषेक के समय आप यहाँ पधारे हैं। अच्छा, आज किसी को अपमानित करके निकालने की इच्छा नहीं है मेरी। उचित यही होगा कि आप स्वयं यहाँ से प्रस्थान कर लें। इनको पता नहीं आगे खड़े हुए कौन है, उसको नहीं पता ही। जलंधर, जिस पथ की ओर तुम अग्रसर हो उसका परिणाम ना तो तुम्हारे हित में है और ना ही असुरों के। नारायण और मेरा भी यही मानना है। जारी बात है, जहाँ ये बढ़ रहे हैं वो थोड़ी है। तुम में एक अच्छा शासक बनने योग्य विविध गुण है। इनका उपयोग त्रिलोक के उद्धार हेतु करना तुम्हारा दायित्व है। एक देवताओं की पूजा क्या वर्जित की, स्वयं महादेव चले आए। मेरे त्रिलोकाधिपति बनने से त्रिदेव की असुरक्षा कैसे प्रत्यक्ष हो रही? अरे वो आपको सीधा करने आए हैं। ये तो आरंभ है महादेव। देवताओं ने सदैव असुरों के साथ अन्याय किया है, उन्हें अपमानित किया है। उनका दुरुपयोग किया है अपने स्वार्थ के लिए। देवताओं ने नियम बनाए तो केवल अपने हित के लिए। वही नियम असुरों के अहित का माध्यम बन गए। लेकिन उस संसार को उन्होंने, वो इसलिए क्या, क्योंकि अब तक त्रिदेव को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जलंधर सामने, किंतु अब मैं हूँ जलंधर। अब हमारा असुरों का समय आ चुका है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अंदाजा लगाया। अब हमें आपकी, ब्रह्मा की या नारायण की,
किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, किसी के भी नहीं। चंद ओ भाई गुरु जी, आप गुरु जी को पता है तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वो न्याय पाने के लिए था। इसीलिए त्रिदेव ने हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु कहीं ऐसा ना हो जलंधर, त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात तुम अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते करते स्वयं इस संसार में अन्याय का स्रोत बन जाओ। मैंने बोला था त्रिदेव को अकस्मात इस संसार में न्याय अन्याय की चिंता हो रही है। यही तो है चिंता करने वाले, पूरा संसार ही चिंता ही नहीं हो तो है। तुम्हारे प्रत्येक कर्म का उत्तरदायी हूँ। इसका अधिकार आपको किसने दिया? अधिकार देना या ना देना, ये परम अधिकार तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति तो मुझसे ही हुई है। जो जलंधर का क्या होना कर देते, यानी कि मैं अंश हूँ, अब क्या अधिपत्ति तुमसे बैर मिलती है। तुम अंश हो मेरे। इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। खुल गया यार, कोई तो टक्कर ना मिला है ना। तुम चाहो या ना चाहो, जिस कर्मचारी जी ने नहीं बताया ना, ये देखा कर्मचारी जी की तरह उन्होंने देखा, ये चाल है आपकी, मुझे भ्रमित करने का नया प्रयास है आपका। जो सच्चाई वो तो है, जलंधर आपका अंश हो ही नहीं सकता। आप जैसे छोटा जो तुम्हारा भगवान से जलंधर आपका अंश हो ही नहीं सकता। जलंधर में मानने से इनकार कर दिया। अरे भाई साहब, वे क्या सीन था यार। वैसे जलंधर ने सोचा होगा कि पहली दफा ऐसा कोई है जो टक्कर का मिला है यार। टक्कर का तो जो ऐसे ऐसे जवाब आगे से जलंधर को मिले हैं ना, कसम से। लेकिन वो तो इंद्रदेव जी ने भी दिया था, लेकिन इनको टक्कर का नहीं, इनको कुछ और ही चीज मिल गई है। इन्होंने अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा होगा कि यार ये जब सोच रहे थे ना, जब पीछे मैं ये कर लूंगा, मैं वो महादेव जी के जब वो बोल रहे थे, लेकिन जब सामने मिले होंगे हैरान, जब भगवान शिव जी ने बोला कि तुम मेरे अंश मुंह। हाँ हाँ,
यूं मुंह खुले का खुला रह गया भाई। भगवान शिव जी ने कहा है ना कि चलो अभी तक तो तुम धर्म कर रहे थे मतलब इंसाफ पाने के लिए, ये ना हो कि तीनों लोगों का अधिपति बनने के बाद तुम अधर्म करने लग जाओ, यानी कि ज्यादा वो अकड़ अच्छी नहीं होती, ये ना हो कि तुम अधर्म पे तुम्हारे अंदर मतलब ऐसी चीज है कि तुम पूरी जो अभी तीनों लोग का बना तुम इंसाफ फैला सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। उन्होंने बिल्कुल ये बातें बोली है, बिल्कुल बोली कि भाई सीधे रास्ते पे चल के तुम सब कुछ संभाल। लेकिन मुझे तुझे लग रहा है आप जलंधर जिस तरह आगे से जलंधर कहता है कि भाई देवताओं ने हमेशा स्वरों को वो अपमानित किया है, ये है वो है, भाई सही लगे हुए तो उसे में। लेकिन भाई साहब अब भगवान शिव जी ने उनको बता दिया, अब आगे देखते हैं क्योंकि उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया है। मैं तो हूं ही नहीं लल्ला, लेकिन वाकई जलंधर हिला है यहाँ पे भी, तो टक्कर का इनको मिला है आगे के जो इनके सवालों के जवाब टक्कर से दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो बाय।